व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया के मुसलमान ने जो ताबड़तोड़ करारा जवाब दिया है ना, एंग्री रिप्लाई है पाकिस्तान के मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को। तो क्या कुछ पूरा मामला था देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोला था अभी एक मीटिंग अच्छा। जिसमें जिसका जवाब दिया था जयशंकर सर ने। अच्छा हाँ, तो हेडलाइंस इंडिया चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ऐसी और वीडियो देख सकते हो। तो लेट्स सी, 1 2 3 लेट्स गो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया है। नरेंद्र मोदी, हमारा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो है सबसे बेहतरीन लीडर हैं। देखा, ये भी मानते हैं हर एक चीज एक ऐसी बात में, उसके बयान पे बहुत तगड़ा बवाल हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी अपशब्द कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टे ने जो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया, उसके बाद भारत के अंदर गुस्सा बेहद ज्यादा है। उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार इस वक्त देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला जा रहा है। और शुरुआत करते हैं इसे, बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा हाजी रियाज। रियाज साहब, किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने लादेन से तुलना करते हुए उन्हें कहा है कि वो तो मर गया लादेन, तो लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता माइक पर जिस तरह की टिप्पणी की, आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। बिल्कुल। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो है सबसे बेहतरीन लीडर हैं, और सबका साथ सबका विकास के साथ देश को चला रहे हैं। और तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अपमान जरदारी और बीमारी ने बोला है उसका इलाज भारतीय मुसलमान निकल के इसका जवाब दें। भारत का मुसलमान भी गुस्से में है इस बयान के बाद। भारत का मुसलमान भी इस बात को नहीं सहेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जैसे को उन्होंने ऐसा कहा, उनके खिलाफ कोई बोला नहीं जाए गलत, क्योंकि ये कोई वो नहीं है। क्या कहेंगे जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान के बाद? क्या वाकई दिल में बहुत गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? जी हाँ, गुस्सा है। क्या जवाब देंगे आज पाकिस्तान के खिलाफ? कोई वो नहीं सहेंगे हम। क्या आखिर क्या जरूरत पड़ी, क्या लगता है पाकिस्तान को अब भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाना पड़ रहा है और ऐसी बेहूदगी बात कर रही है, करनी पड़ रही है जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया? आपको क्या लगता है, क्या भारत का मुसलमान अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल जवाब देगा हिंदुस्तान का मुसलमान। पाकिस्तान को पहले भी जवाब देता आया मुसलमान, और आज भी जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन लगातार लगातार हमने देखा, चाहे वो इमरान खान थे या अब जो जरदारी हैं, वो लगातार हमने देखा कि वो भारत के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनको लगातार तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या जवाब आज आप उनसे? अपना देश तो संभल नहीं रहा, हमारे देश में आके वो टिप्पणी ना करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर उन्होंने शब्द कहे तो भारत का मुसलमान और भारतवासी उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। बिल्कुल सही बात। आप समझ सकते हैं, और भी लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर पूरा बहुत जबरदस्त भीड़ के साथ ये प्रदर्शन हुआ, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी। आप देख सकिए इस तरह की बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँ पर पोस्टर है, और महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह की से टिप्पणी हुई है? हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी अपशब्द कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर होने जा रहा है, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते चाहे कोई भी हो। उन्होंने गुजरात का कसाई तक शब्द का यूज किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए। क्या लगता है कि झुंझलाहट है पाकिस्तान की या मजबूरी हो गई? अब पाकिस्तान की परवरिश भी वैसी है, पाकिस्तान की झुंझलाहट भी वैसी है। हमारे भारतवासी ऐसा अपशब्द नहीं कर सकते किसी के प्रति जो कि हमारे देश के लिए सम्मानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ना हम लोग, हम महिलाएं सभी घर घर से निकल के उनके विरोध में आए हैं, और उनका विरोध करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक भी अपशब्द बोलेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे भारत भारत के प्रधानमंत्री जी को? मैं ये कहना चाहती हूँ, अब तो बच्चा बच्चा सब जानता है मोदी जी कौन है प्रधानमंत्री। पहले कोई ये भी नहीं जानता था प्रधानमंत्री कौन। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हम मोदी जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे हम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं जो सब कुछ ये हुआ? क्या पाकिस्तान को अब जवाब देना चाहिए बहुत जबरदस्त?
देखिए जब नालायक बच्चा कुछ नहीं कर पाता अपनी फेलियर अपने माता पिता के ऊपर ही डालता है, तो पाकिस्तान यही कर रहा है, हर तरह से वो हरा हुआ है। तो वो भारत और हमारे प्रधानमंत्री जब इतने सशक्त हो रहे हैं तो अपनी झुंझलाहट निकाल रहा है अपनी फेलियर की, तो जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बच्चे को सिखा दिया जाए कि बाप बाप होता है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान के बाद, क्या गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसलिए मजबूरी है कि सड़कों पर उतरना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी की है पाकिस्तान ने? आप क्या इसको जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, क्या आप दोबारा से एक बड़ी स्ट्राइक हो जिससे पाकिस्तान की औकात समझ आए? देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये घृणापूर्वक जो जवाब दिया है, बयान दिया है, माननीय प्रधानमंत्री एक एक भारतीय जनता पार्टी के दिलों में बसते हैं और हमारा सम्मान, पूरे देश का सम्मान उन्होंने गिराया है, उसका जवाब तो उन्हें मिलेगा। जिस तरीके से आज देख सकते हैं कि चौराहे में उनके पुतले जल रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी अगर उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी और उन लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर जो इस तरीके की टिप्पणी छोड़ी थी उसके लिए उन लोगों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस रख कर माफ़ी नहीं मांगी, तो हम लोग फिर दोबारा अपना इसी तरीके से जो हमारा आक्रोश है उसे जाहिर करते रहेंगे और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। वक्त आ गया पूरी दुनिया को बैन लगाना चाहिए ऐसे मुल्क पर जो इस तरह की टिप्पणी करे, क्या ये वक्त अब आ गया? सबसे पहले ये समझना जरूरी है जो कंट्री ग्रे लिस्ट हुई पड़ी है, ग्रे लिस्ट का अर्थ है ब्लैक में जा रही है, तो ग्रे लिस्ट का अर्थ है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड वाइड कोई नहीं देगा। तो जो ग्रे लिस्ट है इसका मतलब वो टेरर फंडिंग, हवाले का पैसे को गबन करना इनका काम है। तो अगर इस प्रवृत्ति के विदेश मंत्री ये बयान देंगे तो वो अपने बचकुना हरकत और अपनी छोटी सी लोकप्रियता अपने देश में दिखाना चाहते हैं। सॉल्यूशन क्या है वैसे? ये तो लगातार खुलकर ऐसा बोल रहे हैं, अगर भारत ने इस बार प्रतिक्रिया नहीं दी या जवाब नहीं दिया तो शायद समझना है दुनिया को, एक मैसेज जाना जरूरी है क्या? ये संदेश यूएन में बैठकर उन्होंने दिया। यूएन को पहली बात ये निर्णय लेना होगा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि उसका सपोर्टिंग देश तुर्की भी ग्रे लिस्ट है जो सपोर्ट करता था। अब दोनों कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी तो वर्ल्ड वाइड इनका राशन पानी बंद हो जाएगा। मैं लिख करके दे सकता हूँ, इनकी मजाल नहीं है। ये बयान तो छोड़ो, पिछले साल क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, उसके यहाँ आटा नहीं है, आटे के रेट बढ़ गए पाकिस्तान में, सब्जी नहीं है, कितनी शर्मनाक बात है। अपनी छोटी लोकप्रियता को दिखाना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति लोकप्रियता दिखा रहा है जिसकी पाकिस्तान के अंदर उसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसके पिताजी की जांच कर रही हैं, ये देख लीजिए आप, ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है लगातार नजर। भाई पहली बात तो जो एंकर है इन्होंने बहुत ही दबंग तरीके से पूरे टॉपिक को कवर किया, एक एक चीज जो इनके अंदर जो आक्रोश था ना स्टार्टिंग में जो बोला बिलावल भुट्टे, और भैया ये वीडियो शेयर होनी चाहिए और दो शब्द जरूर आप लोग भी कमेंट में लिखना कि आप का क्या अपना गुस्सा निकाल सकता हूं। मुझे ये लग रहा है कि ऐसा देश का बंदा वहां पे जाके बोल रहा है जिसका मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो उन्हें लगता है ये तो फिर मामले आ गया। हाँ वही यहाँ पे वही गौरव आ रहे सर वाली बात है कि पैंट फटी हुई है, रफू करवाने के पैसे नहीं है, जेबें खाली पड़ी है, किसी चीज के बल पर हमें देश पे राज करना, देश पे राज करना, क्या करना राज, ये वीडियो लाइक जरूर डिजर्व खुद बोलते हैं वो इस चीज को कि भीख मांग मांग के देश चल रहा है और लोगों में जो गुस्सा था पे राज करना, लोगों में जो गुस्सा था। और इसमें ये चीज देख लो, ये लोगों को लगता है कि इंडिया में ना हिंदू मुसलमान होता है, नहीं भैया यहाँ पर ना लोगों में रिस्पेक्ट है और मुसलमानों ने भी दिखा है कि मोदी जी ने काम किया है हर एक चीज। और आज के टाइम पे ना मुझे लगता है कि ये ज्यादा हवा बना है कि मुसलमान खुश नहीं है या फिर एक तरफा ही सपोर्ट, नहीं, हिंदू मुसलमान सभी, तभी बहुमत से भी वो आए हैं, यूपी में बहुमत से आई है योगी जी की सरकार, क्योंकि आपको पता है कि जो जो पॉपुलेशन मुसलमान की है वो भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो लोगों का सपोर्ट आया, उन्होंने देखा है कि लोगों के लिए काम किया है, तभी वो चीज है। और जो उन्होंने कहा ना कि भाई साहब ऐसी बात नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, और यू ब्लैकलिस्ट होगी कि उससे अपना देश तो संभल नहीं रहा है, ये बोला उसने। और फिर एक उनका जवाब बहुत अच्छा था कि बच्चा ना अपनी नाकामी को अपने पेरेंट्स पे वो डाल, पर एक बहुत बढ़िया बात थी कि आज बच्चा पहले एक टाइम होता था कि बच्चों को ना कुछ बच्चों को पता नहीं होता था कि कौन प्राइम मिनिस्टर है कौन। हाँ तो, अब एक ऐसा नहीं कि एक मोदी वर्ड ही ऐसा हो गया कि आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो। हाँ, मोदी जो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये लगा लो सबके घर में एक ना एक बार तो दिन में डिस्कस होता ही होगा, सुबह से लेकर रात तक एक बार तो डिस्कस होता ही होगा, क्योंकि उन्होंने वो छवि बनाई है, देश को आज उस लेवल तक पहुंचाया है कि आज बड़े से बड़ा देश दोस्त बनना चाहता है। बच्चों को अगर नाम पता है ना किसी पॉलिटिशियन का तो ये बहुत बड़ी बात है, पॉलिटिशियन वो तो एक तरह से मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर बच्चे बच्चे में वाला नाम है तो किसी बच्चे से पूछ ले, बच्चों को पता होता है मोदी जी, बाकी तो किसी उसका नाम पूछ ले इतना नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है, ऐसे टॉपिक पे तो इसको भी गुस्सा आ जाता है यार। मुझे बहुत नहीं मुझे समझ आता है, चलो एक यूएस से अगर कई बार कुछ ऐसा होता है मुझे समझ आता है, लेकिन
सीरियसली पाकिस्तान खुद पता है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो टाइम है, तुम सरकार नहीं टिकती जिनकी दो दो तीन तीन साल तुम भाई अपने देश में अगले 10 दिन की चाय कैसे बनाओगे, सब्जी कहाँ से खाओगे वो देखो, आटा तुम्हारे यहाँ खत्म है वो देखो, तुम्हारे प्रधानमंत्री को मिले हो गिफ्ट, मुझे पता नहीं अपने जो भी थे घड़ी वड़ी कपड़े लत्ते जूते मोजे सब जो गिफ्ट मिलते सब बेच के जा रहा है वो नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसे पब्लिक रिव्यूज पब्लिक के ओपिनियंस पसंद आते हैं तो आप हेडलाइंस इंडिया चैनल पर देख सकते हैं और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और हमें और वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।